नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शॉर्टहैंड की ऑनलाइन क्लास नव जागृति में। साथियों, आज की ये डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करके देश के मजदूरों, किसानों के साथ अन्य कमजोर तबकों को केवल आर्थिक संबल ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी प्रदान किया कि इस मुश्किल घड़ी में उनके हितों की रक्षा के लिए वह सब किया जाएगा जो संभव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस राहत पैकेज के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से रेखांकित करने के साथ यह भी साफ किया कि इस पैकेज के अमल में देर नहीं की जाएगी। यह स्वागत योग्य है कि सरकार इस राहत पैकेज के जरिए निर्बल वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही उन्हें अनाज, रसोई गैस आदि मुफ्त उपलब्ध कराएगी। इस राहत पैकेज का एक अन्य उल्लेखनीय पक्ष यह है कि सरकार ने कोरोना वायरस रूपी आपदा से सीधे जूझ रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा कवर देने की घोषणा की। हालांकि इतने बड़े देश में करोड़ों जरूरतमंद लोगों को आनन फानन राहत पहुंचाना आसान काम नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जन धन बैंक खातों के साथ नकदी हस्तांतरण योजना एक ओर, जहां सरकार का काम आसान करेगी, वहीं दूसरी ओर गड़बड़ियों को रोकने का काम करेगी। मनरेगा सरीखी योजनाओं को आधार पहचान पत्र से जोड़ने का फैसला भी कारगर साबित होगा। ऐसे फैसलों का विरोध करने वालों को अपनी भूल का संज्ञान लेना चाहिए। वैसे यह समय राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने और इस संकट को टालने के लिए उठाए जा रहे कदमों को समर्थन प्रदान
करने का है। यह अच्छी बात है कि राहत पैकेज का कई विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया। यह सुखद है कि ऐसा करने वालों में राहुल गांधी भी हैं। लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।